नमस्कार, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खास खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। जहां एक तरफ लोग कोरोना के संक्रमण से पीड़ित हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंसानों के जानी दुश्मन इस वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू से आम आदमी के सामने दो वक्त की रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। इसकी चौतरफा मार उन लोगों पर पड़ रही है जिनका रोज का लाना खाना था, मगर इस लॉकडाउन ने उनके धंधे पूरी तरह चौपट कर दिए। कोरोना भारत को एक के बाद एक नए नए जख्म देने पर तुला है। ये वायरस जहां लोगों की सांसें फुला रहा है, तो वहीं महंगाई के इस दौर में भी गरीब परिवारों को भूख से भी तड़पा रहा है। कोरोना की पहली लहर में महामारी ने करोड़ों लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल दिया था, वहीं इस दूसरी लहर में और भी ज्यादा लोग गरीबी की दहलीज पर आकर खड़े हुए हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर गरीब परिवारों पर आफत बनकर आई है। इस महामारी के बीच लोगों का जीवन जीना मुहाल हो रहा है। बुलंदशहर में भी ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके भरण पोषण के लिए घर के मुखिया या तो मेहनत मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी समेत छोटे मोटे कारोबार। बेहद आक्रामक कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिस तरह यूपी सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, तो उससे आमदनी का इनका जरिया भी पूरी तरह खत्म हो गया है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले किशन यादव के घर में कुल 7 सदस्य हैं, जबकि किशन बुलंदशहर में फेरी लगाकर खील चना मूंगफली आदि बेचकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। मगर लॉकडाउन ने उनका जो हाल किया है उसे बयां करते हुए किशन भावुक उठे। क्या नाम है आपका? किशन यादव। क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसे में? सर, काम उम कुछ भी नहीं है, खर्चे उर्चे सब कुछ हो गए, एकदम से सब काम चौपट है सर। गरीब आदमी इनमें मारे जा रहे हैं, जो कि उनके कोई आशा नहीं है, कोई ना देखने वाले हैं, कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो दिक्कतें बहुत दिक्कत है सर। कितना पहले कमा लेते थे? कैसे कमा? ऐसे 150-200 रुपये प्रतिदिन कमा लेते थे सर। अब 11 बजे तक बाजार ही बंद हो जा तो कहीं कुछ नहीं रह गया, ना सामान मिलना ना कुछ मिलना। अब ऐसे में हमें एक पैसे की मजदूरी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम तो ऐसे बिहार के हैं सर, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से हैं? जी सर। तो अब दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं सर। अगर जिस परिवार में 5 सदस्य हो खाने वाले सर, अगर एक आदमी अगर कमा रहा हो, अगर वो भी कमाए जाओ अगर छीन जाओ, तो ये महंगाई में क्या कर सकते हैं। जो कि 200 रुपये किलो तेल चल रहे हैं, 150 रुपये किलो दाल चल रहे हैं, हर एक चीज़ महंगा है। कोई चीज़ नहीं है कि आदमी कोई खा पी के अपना में गुजर बसर करे। डर भी लगता होगा ऐसे में कहीं जाते हैं? बहुत डर लगता है सर। अब यहाँ चुपचाप अपना आप जा रहे हैं, घर जा कर बैठ जाए, क्या करें। दुकानदारी नहीं है? बच्चों दुकानदारी नहीं है। पालन की क्या है? कुछ भी नहीं है सर। 5 सदस्यों का परिवार, आप अकेले कमाने वाले? जी सर। किशन ने बताया कि पहली लहर के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सिस्टम और समाज सेवी संगठनों ने मदद के लिए जरूर हाथ आगे किए थे, मगर दूसरी लहर में उन सभी ने भी हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कब तक लॉकडाउन रहेगा और उस दौरान उनके परिवार के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो पाएगा। 6 लोगों के परिवार के मुखिया हरिचंद भी अपनी कहानी सुनाते हुए आंखों से बहते अश्कों को रोक न सके। और उनकी ओर से बताया गया कि जवानी भर रिक्शा चलाकर ही बच्चों को पाला था, मगर साल 2020 से छाए बेबसी के बादल हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम हरिचंद है जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं लॉकडाउन में? रिक्शा चला रहे हैं? देखो, पूरा खर्चा नहीं चल रहा, क्या करें बताओ। सुबह रुकवा में शाम तक ऐसे ही चले जाओ। पहले कमा भी ले 100-200 रुपये, अब तो कहूँ भी आशा ही रहेगा कब आवे कब आवे। बहुत परेशान हो? हाँ जी, परेशान है। 6 जने खाने वाले हैं, किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं 6 लोग। अब कैसा लगता है? इतने बुरे हालात हो गए हैं, इतने दिन से लगातार दिक्कतें आ रही हुई सालों। हाँ जी, आगे को और ज़्यादा आएंगी, आगे अगर लगेगा तो और ज़्यादा आएंगी, परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे। क्या चाहते हो? कुछ मदद हो जाए सरकार की? जी, सरकार जो देगी, जब देखी जाएगी, अब क्या कौन देगा। कोरोना काल में लगातार दुख झेल रहे हरिचंद तो सरकारों से भी पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके हैं, जबकि हरिचंद ईश्वर से बस कोरोना को निस्तव नाबूद करने की दुआ करते हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों पर इस कोरोना काल में चौतरफा मार पड़ रही है, जबकि इस लहर ने करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों को गरीब परिवारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल से इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें Time24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।